में 6-7 बजे का टाइम होगा कि हम किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है वो, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे। सडनली हम देखते हैं कि बैरिकेटिंग लगी हुई है, उससे उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स, दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से आए, तो उनको पुलिस वाले गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं वापस जाओ भागो, और गालियाँ दे रहे हैं। तो मैं और एक पत्रकार और थे धर्मेंद्र, वो हम वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो जब वीडियो बना रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला आता है और पहले वो धर्मेंद्र को खींचता है अंदर। तो मैं कहता हूँ कि आप पत्रकार को ऐसे मत खींचिए। तो फिर उनमें से एकदम से एक दो तीन और आते हैं और वो मुझे भी खींच लेते हैं और फिर हमारे ऊपर लठ बरसाने लग जाते हैं। तो ऐसे उस बीच में मैंने आवाज़ भी सुनी सुनी थी पुलिस वालों की तरफ से, वो रहा मनदीप पुनिया, और उसके बाद दो पुलिस वालों ने मुझे खींच लिया था। तो लाठियां बरसाते रहे वो हमारे ऊपर, फिर हमें एक टेंट में लेकर गए, टेंट में भी हमें पीटा, और उस बीच कहते रहे कि और ज़्यादा रिपोर्टर बनना है, इनको बनाओ पत्रकार, तुम्हारे जैसे पत्रकार बहुत सी देखे हैं, हैं तो और रिपोर्ट करोगे पुलिस के ऊपर, और रिपोर्ट करोगे, ये सब करते रहे, चिल्लाते रहे और पीटते रहे। गालियाँ ऐसी दे रहे थे कि मतलब बताने लायक नहीं है, देहाती भाषा में वो लगातार गालियाँ दे रहे थे। चूंकि मैं उसे इलाके से आता हूँ तो मुझे वो समझ में आ रही थी, जो जो वो बोल रहे हैं, जो जो गालियाँ दे रहे हैं, वो सब मुझे समझ आ रहा था, लेकिन क्या रिस्पोंड करते हम। उसके बाद जतिंदर मीना साहब हैं, वो आए थे, वो उन्होंने सारे कॉप्स को बाहर करा और उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है, हम आपको मेडिकल एड दिलवा के छोड़ देंगे। तो हमने कहा कि हम खुद ही मेडिकल एड ले लेंगे, मेडिकल एड दिलवाने की बात करें इसका मतलब तो आप हमारा मेडिकल करवा के लॉकअप में डालेंगे। तो वो इतना कह के वो चले गए। जो सच बोलता है, जो सच लिखता है, उसे गद्दार, देशद्रोही कहके पुकारा गया, बोल दिया जाता है। कल इस बारे में चर्चा हम लोगों ने की, दिग्विजय साहब ने बहुत उस बारे में कहा है। सर, जो सरकार से सवाल पूछेगा उस पर देशद्रोही का मुकदमा आज ठोक दिया जाता है। कितने नाम मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे सदन में संजय सिंह, हमारे सदस्य है संजय सिंह, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है। राजदीप सरदेसाई, जाने माने पत्रकार, जिसको हमने सरकार ने पद्मश्री दिया है, पद्म पुरस्कार सम्मानित किया है, उसको हमने देशद्रोही बना दिया है। शशि थरूर, जो यूनाइटेड नेशन में हमारे देश के प्रतिनिधि थे, एमपी है, कैबिनेट में थे, उसको भी देशद्रोही का उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। जो सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह और भी ऐसे बहुत से पत्रकार हैं या लेखक हैं, उसको हमने इस कानून के तहत, देशद्रोही के कानून के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। डोमेस्टिक वायलेंस हो तो भी देशद्रोह का मुकदमा आप ठोक देंगे। पंतप्रधान मोदी हमारे लिए आदरणीय है, देश के प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते करते रहेंगे। उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए, हम ये मानते हैं, लेकिन बहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता, बहुमत बड़ा चंचल होता है। हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम, संत तुकाराम, उसने कहा है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसका मतलब है, जो आपका निंदक है, जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। फिर हमें एक व्हाइट स्कॉर्पियो में बैठा के ले जाया जाता है, अलग अलग जगह घुमाते हैं वो पहले, फिर एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके जाते हैं। वो समझ में नहीं आया कि मुझे वो थाना ही था या क्या था, मुझे बिल्कुल उसका एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कौन सा थाना था क्या था। तो उसमें लेके जाते हैं, तो फिर वहाँ पर मेरी जैकेट निकलवा के पंखा चला देते हैं और वो पुलिस वाले ऐसे ऐसे अजीब अजीब बात करने लग जाते हैं कि इसकी गिरफ्तारी यहाँ से दिखा देते हैं, इसकी गिरफ्तारी रेड लाइट एरिया से दिखा देते हैं, इस तरीके से बात करने लग जाते हैं। तभी एक कॉन्स्टेबल आता है, वो वीडियो दिखाता है, वो कहता है कि ये वीडियो वायरल हो रहा है उन पुलिस वालों को। इतना कहते ही सारे पुलिस वाले उस कॉन्स्टेबल के साथ बाहर चले जाते हैं और वो फिर आधे घंटे बाद आते हैं
और आधे घंटे बाद आके उन्होंने वो मुझे एक प्राइवेट गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, सिल्वर कलर की ग्रैंड आई 10 थी गाड़ी, और अंबेडकर अस्पताल में लेके जाते हैं। 1:40 पे मेरा वहाँ पर मेडिकल होता है, तो वो डॉक्टर जहाँ पे बैठे थे, डॉक्टर साहब को भी वो गाइड करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा मत लिखो, स्टाफ वालों के साथ पंगा है इसका। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने वीडियो देख लिया है और मैं मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे जो करना है मैं पूरा मेडिकल करूँगा अच्छे से। तो उन्होंने मेरा पूरा मेडिकल किया, डॉक्टर साहब का मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारा मेडिकल किया। उसके बाद 3:30 समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में मुझे अंदर लॉकअप में डाल देते हैं। टाइम मैं जब अस्पताल में था तो मैंने अस्पताल में नोट किया था 1:40, बिल्कुल एग्जैक्ट घड़ी में मैंने देखा था 1:40 पर मेरा मेडिकल हो रहा था। और 3:30 मुझे समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में बंद करते। इस बीच में उनसे लगातार कह रहा था कि मुझे मेरे दोस्तों से बात करने दो, एडिटर साहब से बात करने दो, मेरे वाइफ से बात करने दो, लेकिन उन्होंने बात नहीं करवाई। वो लगातार यही कहते रहते कि अब तो तू जेल से ही बात करना, तिहाड़ में ही बात करना, इस तरीके से। फिर 9:00 मेरी वाइफ मुझसे आके मिलती हैं सुबह, और उसके बाद पुलिस वाले मुझे लेके जाते हैं तिहाड़ में, और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देते हैं। और मेरे जो वकील थे उनको तिहाड़ की गेट के बाहर ही रोका रखा जाता है, उनको गुमराह रखा जाता है कि नहीं 2:00 है पेशी, अभी नहीं है, और मुझे पहले पेश कर दिया जाता है और मेरे वकीलों को अंदर तक नहीं आने दिया। मीडिया को इस्तेमाल करके, क्योंकि मीडिया भी 10% को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है, और उनको आपने उन 10% के ऊपर भी इतनी दहशत फैला रखी है कि मीडिया को आज आपने एक पिंजड़े में बंद तोते की तरह बना दिया है कि जो उसको पढ़ाया जाएगा, जो रटाया जाएगा, वो मीडिया का व्यक्ति वही बोलता रहेगा दिन भर, और आपसे भी चाहेगा कि आप यही बोलिए। पत्रकार का काम क्या होता है, रिपोर्ट करना, चलो ठीक है यहाँ बंद कर दिया तो यहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। और दूसरा मैंने देखा कि जो पहले मैं अपने आप को विक्टिम मान रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि जो सत्ता द्वारा सताए गए लोग हैं, किसान हैं, वो भी हमारे साथ बंद हैं, वो उनके मेरे से ज़्यादा चोटें थीं, तो मुझे लगा कि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा बाहर, तो इनके बारे में मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने एक पेन का जुगाड़ किया वहाँ, और पेन से फिर मैंने अपने जो टांगे थी उनके ऊपर नोट्स लेने शुरू कर दिए, उनके नाम लिखना, उनका जो वो स्टेटमेंट दे रहे थे वो लिखना शुरू कर दिया। वो बात करते करते मुझे अपनी चोटें भी दिखाते थे, किसी की कमर में बड़े बड़े नील के निशान थे, कभी किसी के पैरों पे। और उनको जैसे प्रोटेस्ट साइटों से गिरफ्तार नहीं किया गया था, किसी को नरेला मार्केट से गिरफ्तार किया, किसी को पश्चिम विहार से गिरफ्तार किया, ऐसे गिरफ्तार किया गया था। और उनको ये भी नहीं मालूम था किसानों को कि उनके ऊपर क्या धाराएँ लगाई गई हैं, तो ये सब था। और हमारे साइड वाले चक्की में कुछ किसान, युवा किसान बंद थे, उनको भी प्रोटेस्ट साइट से गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो वो बीच बीच में किसान लहर से जुड़े गीत भी गाते थे बेचारे, और कैदी जितने भी कैदी जेल में होते सब किसानों का सपोर्ट कर रहे थे, सब किसानों की इज्जत करते, और किसानों की पूरी सारे कैदी सपोर्ट में थे, और जेल का स्टाफ भी। अगर वैसे आपके दोस्त हों जिस चौथे स्तंभ पर के एक बड़ी धारा पर आप निर्भर हैं, तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो दोस्त ही आपका काम तमाम कर देंगे। वो क्या करते हैं, दिन भर कुछ भी मामला हो, लोग दुख में हो, लोग संकट में हो, लोगों की मौत हो रही हो, और शाम में चलाएंगे खालिस्तानी एंगल ऑफ किसान आंदोलन। सर, मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, हमने देखा है कि पंजाब और पूरे मुल्क ने क्या भुगता है। हम सब सर, आप तो सक्रिय राजनीति में थे सर, सक्रिय राजनीति में आपने देखा कि पूरे देश ने, हमने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं खोया, हमने हजारों लाखों जाने गवाई। कुछ तो सीखे इतिहास से, इतिहास दोहराता नहीं है लेकिन इतिहास प्रेरणा देता है, इतिहास निर्देश देता है, और हम उन निर्देशों को सुनना नहीं चाह रहे। शाम ढले, खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे। हम कोई बड़ी गाड़ी वाले या फिर जो मेन स्ट्रीम जो गोदी मीडिया उनके पत्रकार तो है नहीं, हम जैसी भी है, जैसे भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना करते हैं, गांव घूम घूम के और शहरों, जो गांव देहात किसानों के बीच और शहरों के जो ऐसी बस्तियां जहां पर कोई नहीं जाता है, वहां पर हम लोग घूमते हैं, जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करना हमारा काम ग्राउंड जीरो से, सत्ता उसी से डरता है। पत्रकारिता का सबसे जो मतलब जोखिम भरा काम है वो ग्राउंड से रिपोर्ट करना, लेकिन सबसे ज़रूरी काम भी है।